गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आज हम बातें करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम की। छोटा सा चैप्टर है, बट अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। हमारे सेक्शंस जो क्लबिंग में आते हैं, आपको याद होगा सेक्शन 60 से लेकर 65 तक हम बातें करेंगे। छोटे छोटे सेक्शन है, बट हाँ, इसमें से एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है 64, जहाँ पर हम लोग स्पाउस से रिलेटेड क्लबिंग की बातें करेंगे, सन्स वाइफ या फिर माइनर चाइल्ड या HUF से रिलेटेड बातें। तो मेन जो सेक्शन होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो सेक्शन 64 ही होता है। बाकी के सेक्शंस छोटे छोटे सेक्शंस है, बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। ओके, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, दो तीन बातें हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए, जब क्लबिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव इनकम की भी क्लबिंग होती है, नेगेटिव इनकम की भी क्लबिंग होती है। इनकेस अगर क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं और अगर किसी वजह से लॉसेज आ रहे हैं तो लॉसेस को भी क्लब करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकम को क्लब करेंगे, अगर क्लबिंग के प्रोविजंस लग रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इनकम क्लब होती है, यानी कि लॉसेस भी क्लब होंगे। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जब कभी भी क्लबिंग होगी तो जिस नेचर की वो इनकम है फिर वो उसी हेड में जाकर क्लब होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सैलरी इनकम क्लब करनी है तो जब वो इंडिविजुअल के लिए हम क्लब करेंगे तो वो सैलरी हेड में ही क्लब होगी। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जैसा नेचर है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही क्लब होती है, राइट? तो जिस नेचर की इनकम है फिर वो उसी हेड में जाकर क्लब हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं क्लबिंग की बातें। तो क्लबिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि कभी कभी जब क्लबिंग के प्रोविजंस लगते हैं तो हम इनकम जिसकी एक्चुअली आ रही होती है उसकी नहीं बनाकर किसी और की बनाते हैं। जनरली जो ट्रांसफरर होता है, जिसने अपनी इनकम ट्रांसफर की होती है, उसके हाथों में वो क्लबिंग हो जाती है। ओके, और मैंने जैसे बताया कि वो सेम हेड में क्लब होनी चाहिए, जिस नेचर की इनकम है उसी हेड में क्लब करिएगा। और पॉजिटिव इनकम भी क्लब होती है और नेगेटिव इनकम भी, मतलब लॉसेस भी क्लब होंगे। बेसिक बातें थी। ओके, अब यहां से शुरू करते हैं अपना सेक्शन 60। सेक्शन 60 एक छोटा सा सेक्शन है, वो ये कहते हैं कि अगर एनी पर्सन अगर वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करता है, सिर्फ अपनी इनकम को, अपने असेट्स ट्रांसफर नहीं कर रहा बट वो सिर्फ अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहा है, तो हमेशा क्लबिंग होगी। हमेशा वो व्यक्ति किसी को भी ट्रांसफर करे, स्पाउस को करे, रिलेटिव को करे, नॉन रिलेटिव को करे, If only income is getting transferred, not the property, asset transfer नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल एक मेरा घर है और उसका रेंट आता है, मैं ये बोल देता हूँ अपने टेनेंट से कि मुझे ये रेंट मुझे मत देना, मेरे दोस्त को के अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा, तो मैंने सिर्फ अपनी इनकम ट्रांसफर की है बट मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, राइट? तो सेक्शन 60 कहते हैं कि जब कभी भी आप अपनी इनकम ट्रांसफर करेंगे टू एनी पर्सन विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, हमेशा क्लबिंग होगी। छोटा सा सेक्शन था सेक्शन 60। 61 कहता है कि इनकेस अगर आप अपनी इनकम के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर क्लबिंग नहीं होगी, बट इनकेस अगर आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, दैट इज ऑन रिवोकेबल बेसिस। रिवोकेबल बेसिस मतलब टेम्परेरी, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए आपने ट्रांसफर की है, एक्चुअल ओनर आप ही हैं, आप जब चाहें इसको वापस ले सकते हैं, तो हम इसको कोई ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, बिकॉज दैट इज ट्रांसफर ऑन अ वेरी रिवोकेबल बेसिस, वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे ट्रांसफर हुई है। अगर आप इस तरीके से अपनी इनकम को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हम क्लबिंग करेंगे। दिस इज सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। रिवोकेबल का मतलब होता है, वो सेक्शन 63 में भी डिफाइंड होता है रिवोकेबल का मतलब, क्या मतलब होता है रिवोकेबल का? रिवोकेबल का मतलब सिंपल होता है कि आपके पास राइट है, जो ट्रांसफरर है उसके पास राइट है कि वो कभी भी वो अपना सेट वापस ले सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवोकेबल। यही बातें सेक्शन 63 में लिखी है। और 61 क्या कहता है कि अगर आपने रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट किया है, मतलब इनकम तो ट्रांसफर की है बट आपने असेट भी ट्रांसफर करते हुए दिखाया, बट दैट इज ऑन अ वेरी टेम्परेरी बेसिस, तो भी हम इसको क्लबिंग ही मानेंगे। अगर आप किसी को भी करते हैं टू एनी पर्सन, हमेशा क्लबिंग होगी रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में। ठीक है, सिंपल बातें चल रही है बिल्कुल। सेक्शन 62 एक्चुअली एक्सेप्शन है सेक्शन 61 का। वो ये कहते हैं कि अगर असेसी ने अपना असेट ट्रांसफर किया है ऑन रिवोकेबल बेसिस, वो वापस ले सकता है, बट विद अ कंडीशन है कि जब तक जिसको हमने ट्रांसफर किया है उसके लाइफ टाइम से पहले हम वापस नहीं ले सकते। यानी कि जिस बेनिफिशियरी को हमने ट्रांसफर किया है, जब तक वो अलाइव है, जब तक वो जिंदा है, तब तक हम इसको वापस नहीं ले सकते। तो इट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट ट्रांसफर, क्योंकि जब तक, क्योंकि कंडीशन क्या थी रिवोकेबल की, कि जब तक उसकी लाइफ है तब तक हम वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब वो अपनी लाइफ टाइम तक इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पर क्लबिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर है तो रिवोकेबल, बट इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट ट्रांसफर बिकॉज हम उसके लाइफ टाइम तक वापस नहीं ले सकते। तो दिस वॉज सेक्शन 62। तो सेक्शन 60 क्या था, सिर्फ इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट,
क्लबिंग होगी। किसको करें ट्रांसफर? किसी को भी ट्रांसफर करें, किसी को भी, एनी रिलेटिव पर्सन, एनी नॉन रिलेटेड पर्सन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। किसी को भी अपनी इनकम ट्रांसफर करेंगे हमेशा क्लबिंग होगी। 61 बोलता था कि अगर असेट ट्रांसफर करेंगे रिवोकेबल बेसिस पे, कभी भी आप इसको वापस ले सकते हैं, तो भी क्लबिंग होगी। 62 कहता था कि अगर आपने रिवोकेबल बेसिस पे अपना असेट ट्रांसफर किया बट विद अ कंडीशन कि जब तक लाइफ टाइम है वो ट्रांसफरी का, जिसको आपने ट्रांसफर किया उसके लाइफ टाइम तक आप इसको वापस नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट ट्रांसफर, यहाँ पर क्लबिंग नहीं होती है। और 63 तो मीनिंग ऑफ रिवोकेबल का मतलब होता है, ठीक है, रिवोकेबल का मीनिंग आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बट सिंपल हमें पता होना चाहिए। रिवोकेबल मीन्स, रिवोकेबल का मतलब होता है कि यू हैव अ राइट टू टेक बैक द असेट एनी टाइम, ठीक है, आप इसको अनकंडीशनली कभी भी वापस ले सकते हैं। ओके, अब मेजर सेक्शन आता है 64, और बिल्कुल ईजी सेक्शन है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही ईजी है, बट 64 थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर हम देखें, देखिए हमने फटाफट वो हमने 3-4 सेक्शन खत्म कर लिए हैं, बट हाँ 64 कंपेरेटिवली उससे थोड़ा सा बड़ा है, बट अगेन इट्स अ वेरी इजी सेक्शन। सेक्शन 64 में मेनली हम बातें करते हैं स्पाउस से रिलेटेड प्रोविजन की। देखिए हमने अभी एक मैंने बातें बताई थी कि अगर आप कोई भी असेट अपना ट्रांसफर कर देते हैं किसी को भी ट्रांसफर कर देते हैं परमानेंट बेसिस पे, फिर तो क्लबिंग नहीं होगी। बट यहाँ पर हम बातें करेंगे स्पाउस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन, अगर आप स्पाउस को परमानेंटली भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं तो भी क्लबिंग होती है। ये बातें, इस तरह की बातें मुझे यहाँ पर बातें करनी है। तो दीज प्रोविजन आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पाउस, फिर हम सन्स वाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे, माइनर चाइल्ड से रिलेटेड बातें करेंगे, और फिर कुछ HUF की बातें भी करेंगे। ये हमारा चार चीजें सेक्शन 64 में आती हैं। ओके, सेक्शन 64 सबसे पहले मैं स्पाउस से रिलेटेड प्रोविजन की बातें करता हूँ, और इसमें तीन बातें हम लोग करेंगे। अगर हम रेमुनरेशन पे हो रही है स्पाउस को, तब क्या क्लबिंग होती है या नहीं होती है। दूसरी होता है कि अगर हमने असेट ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को ऑन नॉन रिवोकेबल बेसिस, नॉन रिवोकेबल बेसिस का मतलब है परमानेंट हमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या क्लबिंग होगी या नहीं होगी। और हम लास्ट बातें करेंगे, अगर हमने स्पाउस के बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उस केस में क्या प्रोविजंस होते हैं क्लबिंग के। ठीक है, तीन बातें हमें करनी है तो स्पाउस से रिलेटेड, फिर हम स्पेस, और यही ऑलमोस्ट बातें सन्स वाइफ से रिलेटेड भी सेम प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद रेमुनरेशन टू स्पाउस। देखिए अगर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में, कंसर्न का मतलब होता है कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, किसी भी कंसर्न में अगर उस इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर ओनरशिप उसके, वहां पर उस पर्टिकुलर कंसर्न में उसकी 20% और मोर ओनरशिप है, ठीक है, 20% उसके पास वोटिंग पावर है। अगर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो 20% और मोर उसके पास शेयर्स हैं, उस प्रॉफिट शेयरिंग है उसका फर्म का, या फिर कोई भी ऐसी कंसर्न है जहां पर उसका 20% और मोर, 20% भी होगा तो भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और 20% या उससे ज़्यादा होगा तो भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो इनकेस अगर हमारा किसी भी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और वहां से उस इंडिविजुअल के स्पाउस को अगर कोई रेमुनरेशन मिलती है, तो वो उस रेमुनरेशन को हम क्लबिंग कर देंगे उस इंडिविजुअल के हाथों में। यानी कि अगर मिस्टर ए का फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, ABC एंड एसोसिएट्स, ये पार्टनरशिप फर्म है, और मिस्टर ए का यहाँ पर 20% और मोर का प्रॉफिट शेयरिंग है यहाँ पर, इसका मतलब ए का यहाँ पर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। अब ए की वाइफ को, मिसेस ए को इस कंसर्न से जो भी रेमुनरेशन मिलेगी वो रेमुनरेशन वापस क्लब हो जाएगी किसके हाथों में, मिस्टर ए के हाथों में। यानी कि अगर मिसेस ए को यहाँ से सैलरी मिलती है तो वो सैलरी क्लब हो जाएगी मिस्टर ए के हाथों में। बट हाँ, इसकी एक्सेप्शन है, अगर मिसेस ए को सैलरी मिल रही है इस कंसर्न से बिकॉज ऑफ हर कॉम्पिटेंस, उनके पास क्वालिफिकेशन है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, उनके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो जस्टिफाई करते हैं कि अपनी सैलरी की, मुझे इस कंसर्न से सैलरी मिल रही है बिकॉज ऑफ माय कॉम्पिटेंस, माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस, फिर क्लबिंग नहीं होती है। बट अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं विदाउट एनी स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, क्वालिफिकेशन, तो फिर क्लबिंग होगी। और किस हेड में जाएगी? वो सैलरी हेड में चली जाएगी। अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में। मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में ऐसे पूछा गया, लेट्स से मिस्टर ए है और ये सोल प्रोप्राइटर है, ही इज अ सोल प्रोप्राइटर, मिस्टर एक सोल प्रोप्राइटर है, और इनकी कंसर्न से
मैं थोड़ा पीजीवीपी इसमें मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, बहुत इजी बातें हैं, बट हाँ इस तरीके से एग्जामिनर अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो मिस्टर एक एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बिजनेस है, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सैलरी पे करते हैं, टू सैलरी, लेट्स से 5 लाख रुपीज की सैलरी पे करते हैं। ठीक है, किसको पे करते हैं? अपने स्पाउस को पे करते हैं, मिसेज ए को। और आपके इंफॉर्मेशन में ये गिवन होगा, आपके इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू है जो फेयर मार्केट वैल्यू है सैलरी की, जो अपने वाइफ को पे करते हैं ये, उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपीज़ है, उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपीज़ है। और बिना किसी स्किल के, बिना किसी स्किल के, किसी क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के, ये सैलरी पे की जा रही है, राइट? ये आपके पीजीबीपी में एक एडजस्टमेंट आ गई, टोटल इनकम का क्वेश्चन आया फर्स्ट, और वहाँ पर ये एडजस्टमेंट आ गई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर ए का एक बिजनेस है, उन्होंने अपने पीएनएल अकाउंट में एक एक्सपेंस दिखाया हुआ है, सैलरी पे करते हुए दिखाया हुआ है अपनी वाइफ को, और इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है 4 लाख रुपीज़ है, इस तरह के जॉब की फेयर मार्केट वैल्यू, बट इनको जो पैसे मिलते हैं वो बिना किसी स्किल नॉलेज और क्वालिफिकेशन के मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक पीजीबीपी में सेक्शन है कि अगर अपने रिलेटेड पार्टी को आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं और वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो जितना एक्सेस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें 40A2 लगाइएगा, 40A2 लगा दीजिएगा। 40A2 क्या कहता है कि सर जितना भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं उसमें से फेयर मार्केट वैल्यू तक अलाउड होता है, इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू डिसअलाउ हो जाएगा। तो 40A2 लगाने के बाद सबसे पहले तो उसमें 1 लाख आप डिसअलाउ कर देंगे, 1 लाख ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, कि इसमें से बोलेंगे कि 5 लाख में से सिर्फ 4 लाख अलाउड है, 1 लाख अलाउड नहीं है, तो 1 लाख को ऐड बैक कर दिए। 40A2 तो सबसे पहले ये बोलेगा, ओके। अब बाकी का 4 लाख का क्या होगा, वो तो फेयर मार्केट वैल्यू पर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो अलाउ हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, 40A2 लगा देंगे, वो सोचेंगे कि हमें 40A2 बहुत अच्छे से आता है, और वो ठीक लगाया उन्होंने। बट आपको प्लीज़ एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि बिना स्किल क्वालिफिकेशन वगैरह के मिल रही है, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं। अब हमारा जो सेक्शन 64 है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कंसर्न में किसी इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यहाँ तो पूरा इंटरेस्ट है, सोल प्रोप्राइटर है मिस्टर ए, और यहाँ से इनकी स्पाउस को अगर कोई रेमुनरेशन मिलती है बिना स्किल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के, तो वापस मिस्टर ए के हाथों में क्लब हो जाएगी, और वो उसी हेड में जाती है जिस हेड की वो इनकम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने 1 लाख तो डिसअलाउ कर दिए, अब ये बचा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख का क्या करेंगे, 4 लाख वापस आप मिस्टर ए की ही इनकम बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पर छोड़िएगा मत क्वेश्चन को, यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि स्किल नॉलेज क्वालिफिकेशन वगैरह के बिना मिला है ये पैसे, तो प्लीज़ 4 लाख को इनकम बना दीजिएगा मिस्टर ए की, और किसके, कौन से हेड में, सैलरी हेड में। तो यहाँ पर मिस्टर ए की तो, यहाँ पर पीजीबीपी की तो इनकम आ रही होगी, बट प्लीज सैलरी की भी इनकम आएगी 4 लाख रुपीज़। बट हाँ, प्लीज स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दीजिएगा, और वो दोनों ही रिजीम में, चाहे आप डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहे हो या फिर ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हो, दोनों ही रिजीम में अलाउड होती है 50,000 रुपीज़। तो 4 लाख में से 50,000 माइनस कीजिएगा, 3,50,000 अलग से सैलरी इनकम भी बना दीजिएगा मिस्टर ए की। तो इसका मतलब इस वाले प्रोविजन में 40A2 पीजीबीपी के भी प्रोविजंस लगे, और साथ साथ में क्लबिंग के भी प्रोविजंस लगे। आई बिलीव ये आप बिल्कुल ठीक करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? तो यही बातें यहाँ पर बोलते हैं कि रेमुनरेशन को कोई भी, अगर हम सैलरी मिल रही है, रेमुनरेशन मिल रही है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज स्किल्स वगैरह के, तो वो क्लबिंग हो जाएगी, करेक्ट? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 20% और मोर ओनरशिप अगर होती है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है। और रिलेटिव में कौन कौन आता है, सॉरी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट में, जब यहाँ पर जनरली पूरे इनकम टैक्स में जनरली हम सिर्फ ये मानते हैं कि अगर हमारे पास 20% और मोर ओनरशिप है तो सब्सटैंशियल ओनरशिप होती है। बट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 64, सिर्फ इसी सेक्शन के पर्पज के लिए हम लोग जब सब्सटैंशियल ओनरशिप देखेंगे, तो हम उस व्यक्ति की भी देखते हैं कि उसकी कितनी ओनरशिप है, इंक्लूडिंग देयर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स की भी ओनरशिप इंक्लूड करेंगे। जब हम 20% की शेयर देखेंगे तो उसकी ओनरशिप भी हम साथ साथ में रिलेटिव्स की भी देखते हैं। तो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लीनियर असेंडेंट होते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, डिसेंडेंट होते हैं चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। तो आप इन सब की ओनरशिप को भी देखिएगा। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंसर्न में, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का 15% का शेयर है, मिस्टर ए का 15% का शेयर है, और मिस्टर ए के जो ब्रदर है वहाँ पर उनका 5% का शेयर है, तो इसका मतलब मिस्टर ए का भी शेयर 20% का माना जाएगा। तो मिस्टर ए भी वहाँ पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। क्या मिस्टर ए के ब्रदर भी करते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि इनका भी शेयर 5% है और साथ साथ में इनके जो ब्रदर है उनका शेयर 15%। यहाँ पर इनके ब्रदर कौन हो गए? मिस्टर ए।
तो यहाँ पर दोनों ही सब्सटैंशियल ओनर हो जाते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता है कि अपने ब्रदर सिस्टर को भी इंक्लूड करके हम देखते हैं। बट ये बातें ना सिर्फ 64 में ही अप्लाई करिएगा जब हम अपने रिलेटिव्स का शेयर भी इंक्लूड करते हैं सब्सटैंशियल ओनरशिप देखने के लिए, करेक्ट। और अगर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है और दोनों को ही रिमुनरेशन मिल रही है बिना किसी टेक्निकल नॉलेज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के, तो फिर हम ये किसके हाथों में क्लब करते हैं, फिर हम उनकी अदर इनकम देखते हैं। याद आ गई वाली बातें, ठीक है। यहाँ पर ये होता है कि अगर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को ही रेमुनरेशन मिल रही है बिना किसी टेक्निकल नॉलेज स्किल क्वालिफिकेशन के, तो फिर हम किसके हाथों में क्लब करते हैं, हस्बैंड के हाथों में या वाइफ के हाथों में, तो फिर हम उनकी अदर इनकम देखते हैं कि उनकी अदर इनकम किसकी ज़्यादा है, तो जिसकी इनकम ज़्यादा होती है उसी के हाथों में फिर वो क्लब करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और अगर एक बार ये फॉर एग्जाम्पल इस साल हमने उनकी वाइफ के हाथों में क्लब किया, तो नेक्स्ट ईयर भी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स आते हैं वो भी उनकी वाइफ के हाथों में ही क्लब होता है जब तक उसको असेसिंग ऑफिसर चेंज नहीं करता है, यानी कि एक बार वो क्लब होना शुरू होता है। ये बातें माइनर चाइल्ड के लिए भी होती हैं, जब माइनर चाइल्ड की इनकम किसी भी पेरेंट के हाथों में क्लब होती है तो फिर वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उन्हीं के हाथों में, फॉर एग्जाम्पल फादर के हाथों में क्लब हुआ या मदर के हाथों में क्लब हुआ, तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी उन्हीं के हाथों में क्लब होती रहती है। फिर हम सब्सिक्वेंट ईयर में लेवल ऑफ इनकम नहीं देखते, सिर्फ फर्स्ट टाइम देखते हैं लेवल ऑफ इनकम। हाँ, जब तक असेसिंग ऑफिसर इसको चेंज नहीं करता है तब तक हम उन्हीं के हाथों में क्लब रखते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अदर इनकम देखते हैं, अगर अदर इनकम ना हो तो फिर क्या देखेंगे, फिर यही वाली इनकम देखेंगे कि ये जो क्लब करनी है हमें इनकम किसकी ज़्यादा है उसके हाथों में क्लब कर दीजिएगा। बट जनरली अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन होती है आपको, ओके। दूसरी बात आती है कि अगर हमने कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को, अगर हमने कोई स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर दिया ऑन नॉन रिवोकेबल बेसिस। अब देखो, हमने शुरू किए सेक्शन में क्या पढ़ा था, हमने ये कहा था कि असेट अगर किसी को भी ट्रांसफर करते हैं रिवोकेबल बेसिस पे करते हैं तभी क्लबिंग होती है, राइट। मतलब हम टेम्परेरी ट्रांसफर किया वापस ले सकते हैं तो इसका मतलब क्लबिंग होगी। बट यहाँ पर क्या किया, हमने ये असेट परमानेंट ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को। अगर आपने ये असेट परमानेंटली स्पाउस को असेसी ने ट्रांसफर कर दिया है तो भी क्लबिंग होती है, अगर विदाउट कंसिडरेशन या विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, राइट। या तो कोई कंसिडरेशन नहीं ली है या कंसिडरेशन कम ली है, तो उस केस में हम क्लबिंग कर देते हैं, करेक्ट। फिर हम पूरी की पूरी क्लबिंग कर देते हैं। अगर हाँ एडिक्वेट कंसिडरेशन आई है फिर क्लबिंग नहीं होती है। दूसरी बात है, जब आपने ये असेट ट्रांसफर किया हो अपने स्पाउस को तो उस समय वो स्पाउस का रिलेशनशिप हो, स्पाउस का रिलेशनशिप दोनों समय होना चाहिए, एक तो जब आपने ये असेट ट्रांसफर किया, दूसरा जब इनकम आ रही है। फॉर एग्जांपल जब हमने ये असेट ट्रांसफर किया था, शादी नहीं हुई थी, ठीक है, वो अभी सिर्फ फियांसे थी, अभी शादी नहीं हुई थी, तो इसका मतलब अब क्लबिंग नहीं होगी, यानी कि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, जब ट्रांसफर किया हो असेट तभी भी वो असेसी की स्पाउस हो और जब इनकम आ रही है तभी भी वो असेसी की स्पाउस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में डिवोर्स हो गया। तो अगर आपने असेसी ने कोई भी असेट ट्रांसफर किया है स्पाउस को तो उस केस में भी क्लबिंग होती है, अगर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन किया है तो। बट हाँ, अगर लिविंग अपार्ट का केस है, फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड और वाइफ का सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तब कोई असेट ट्रांसफर किया जाए तो इसको हम एडिक्वेट कंसिडरेशन मानते हैं, क्लियर है। और दूसरी बात है, अगर हमने कोई भी असेट ट्रांसफर किया, फॉर एग्जाम्पल हमने डिबेंचर्स ट्रांसफर किए, डिबेंचर इज एन असेट फॉर अस, हमने कोई डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट आता था, हम चाहते थे वो इंटरेस्ट को डाइवर्ट करना जिससे हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लगे, तो असेसी ने क्या किया, वो डिबेंचर्स ट्रांसफर कर दिए अपनी वाइफ को, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी क्लब हो जाएगा, किसके हाथों में, ट्रांसफरर के हाथों में, उस इंडिविजुअल के हाथों में वापस क्लब हो जाएगा, और इंटरेस्ट कौन से हेड में जाएगा, IFOS में, करेक्ट। हाँ, उस वो इंटरेस्ट वाइफ ने अपने पास रख लिया, वो तो वैसे भी पैसे नहीं देंगे वापस, तो वो इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन ये भी कहता है कि वो जो इंटरेस्ट है वाइफ ने हस्बैंड को वापस नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, वो तभी भी क्लब होगा, वैसे भी वाइफ को तो वैसे ही उसके नाम से इंटरेस्ट आ रहा है, वो तो वापस करेगी नहीं, वैसे भी वो तो आपके भी पैसे वापस नहीं करेंगे, ठीक है, वो दूसरी बात है, बट स्टिल, तो वो इंटरेस्ट हमें वापस करें या ना करें दैट इज इररिलेवेंट, बट क्योंकि हमने वो असेट ट्रांसफर किया, कौन सा असेट था, डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है प्लीज उसको वापस क्लब कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज आती है इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम, ये प्रोविजन भी याद आ गया होगा आपको, कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हमने ट्रांसफर किए थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया 1 लाख, 1 लाख तो आप क्लब कर देंगे, उस 1 लाख को वाइफ ने कहीं और इन्वेस्ट करा, ठीक है, कहीं और इन्वेस्ट किया और वहां से 15,000 रुपए अर्न किए, इसको क्या बोलते हैं, उन्होंने 15,000 की कैसी इनकम है जो क्लब्ड इनकम से अर्न की है, उसकी क्लबिंग नहीं करते। तो आपने जो डिबेंचर्स ट्रांसफर किए उसके ऊपर इंटरेस्ट 1 लाख था,
1 लाख को क्लब कर देंगे, 1 लाख को वाइफ ने कहीं और इन्वेस्ट किए, उससे जो इनकम जनरेट हुई उसको क्लब नहीं करते। तो इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम शुड नॉट बी क्लब, ठीक है। तीसरी बात, अगर हमने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर किया था, असेसी ने स्पाउस को कोई, मैं बार बार में हमने बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, मैं स्पाउस को ट्रांसफर कर सकता हूँ, पर आई बिलीव आपकी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स की हो चुकी होगी, ठीक है, ओके। तो अगर असेसी ने अपने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर किया, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स को बेच के अगर स्पाउस ने कुछ और खरीद लिया और वहां से इनकम आती है तो भी क्लबिंग होती है। यानी कि वो जो असेट ट्रांसफर किया है, अगर उसने अपनी फॉर्म या शेप चेंज करी है, उससे इररिलेवेंट है, जो दूसरे असेट से जो इनकम आएगी वो भी क्लबिंग ही होगी। तो क्लबिंग प्रोविजंस विल आल्सो अप्लाई इफ द ट्रांसफर्ड असेट चेंजेस फॉर्म और शेप, ठीक है, और इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड, ये भी आपको पता है। थर्ड बातें आती हैं स्पाउस के लिए कि अगर स्पाउस का कोई बिजनेस है, वहां पर असेसी ने, इंडिविजुअल ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो जो भी उसके प्रॉफिट्स आएंगे उस बिजनेस से, उसमें से भी कुछ पार्ट क्लब हो जाएगा जितना उसने इन्वेस्ट किया है। बट प्लीज यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एक सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम देखते हैं जितना भी उस बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है उसके प्रोपोर्शनेटली जितना उसके हस्बैंड ने ट्रांसफर किया है पैसे, या वाइफ ने ट्रांसफर किए हैं पैसे, मतलब जो भी इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किए हैं पैसे, उस बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई थी, और जो इंडिविजुअल ने पैसे ट्रांसफर करे हैं उसने अपनी कितनी कैपिटल लगाई है। तो सिंपल है, अगर उस बिजनेस में ऑलरेडी 10 लाख की कैपिटल लगी हुई थी, जिसमें से 2 लाख इंडिविजुअल ट्रांसफर किए हैं, तो 2/10 कर देंगे आप, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका आप 2/10 कर देंगे। 2 क्या हुआ, जितनी कैपिटल इंडिविजुअल ने लगाई थी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बट प्लीज ये जो कैपिटल लेनी है आपको एज ऑन फर्स्ट डे, बस यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, यहाँ पर प्लीज ध्यान रखिएगा, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर देखनी, यानी कि 1 अप्रैल को, अगर 1 अप्रैल को कैपिटल लगी हुई थी तभी क्लबिंग करना, अगर 1 अप्रैल फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर कैपिटल नहीं लगी हुई थी असेसी की, तो क्लबिंग नहीं करना। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड तो लॉजिकल है, समझ में आता है कि टोटल कैपिटल में से हमने कितनी कैपिटल लगाई है। बट प्लीज सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल को हमें देखना है, क्लोजिंग कैपिटल को नहीं देखना, एवरेज कैपिटल को नहीं देखना, हमने ओपनिंग कैपिटल को के ऊपर जितना भी हमने प्रॉफिट अर्न करा है सिर्फ उसी को देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस साल ड्यूरिंग द ईयर पैसे लगाए हैं स्पाउस के बिजनेस में, तो इस साल तो क्लबिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि 1 अप्रैल को नहीं लगाए थे पैसे, बट हाँ नेक्स्ट ईयर हो जाएगी क्लबिंग, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई असेट डायरेक्टली स्पाउस को ट्रांसफर नहीं किया, इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया। इनडायरेक्टली ट्रांसफर करने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई आर्टिफिशियल कोई एंटिटी बनाई है और हमने ये असेट ट्रांसफर किया है उस एंटिटी को, बट एक्चुअली उसके सारे बेनिफिट्स किसको मिलने हैं, स्पाउस को, तो ये भी माना जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर स्पाउस को ही है, तो इस केस में भी क्लबिंग होती है, राइट। और सन्स वाइफ के भी बिल्कुल सेम प्रोविजंस रहते हैं, अगर सन्स वाइफ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सन्स वाइफ को कोई असेट ट्रांसफर किया है तो भी क्लबिंग होगी, यानी कि फादर इन लॉ या मदर इन लॉ अगर अपने सन्स वाइफ को ट्रांसफर करते हैं तो भी क्लबिंग होती है, सेम प्रोविजन जो स्पाउस के पड़े थे सेम रहते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है प्रोविजंस रिलेटेड टू माइनर चाइल्ड, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम आ रही है, माइनर चाइल्ड की इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर की इनकम आ रही है। अच्छा मैं ना एक चीज बताना भूल गया आपको, स्पाउस के केस में, अब देखो यहां पर ना एक सेक्शन 27 भी आता है जो हमने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था, डीम्ड ओनरशिप का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने असेसी ने, बाबर में हमने बोलता हूँ, ठीक है, असेसी ने स्पाउस को कोई घर ट्रांसफर कर दिया, घर ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उसके केस में जिस व्यक्ति ने ट्रांसफर किया है इंडिविजुअल ने, वही उसका डीम डोनर रहता है, तो वहाँ पे क्लबिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पे डीम डोनर ही इंडिविजुअल रहता है, राइट। बहुत माइनर डिफरेंस है और बहुत सिंपल डिफरेंस है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरा असेट ट्रांसफर किया जाए, तो क्लबिंग के प्रोविजंस लगेंगे, अल्टीमेटली दोनों ही केस में उस इंडिविजुअल के हाथों में इनकम आनी है। बट फर्स्ट सिनेरियो क्या है, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, अगर आप बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करते हैं, जो बात हम सेक्शन 27 में पढ़ते थे, तो उस केस में क्लबिंग की जरूरत ही नहीं आएगी, वो तो फिर डीम्ड ओनर ही इंडिविजुअल बन जाएंगे और डीम्ड ओनर के हाथों में ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम बनेगी, मतलब इंडिविजुअल के लिए। बट अगर हम कोई अदर असेट्स ट्रांसफर करते हैं
ठीक है, अदर देन प्रॉपर्टी, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्लबिंग लगती है। ठीक है, क्लबिंग भी आपके हाथों में जाएगी, डीम ओनरशिप भी आपके हाथों में जाएगा, पर डिफरेंस है। अगर घर ट्रांसफर किया जाए, घर का मतलब होता है प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए तो उस केस में डीम ओनरशिप का ही कंसेप्ट लगाइएगा। अच्छा मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्पाउस को कैश ट्रांसफर किया है, ठीक है, कैश मतलब बैंक से पैसा ट्रांसफर किया है, बाद में उन्होंने उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसका रेंट आता है, तो यहाँ पे क्या डीम ओनरशिप लगेगा या क्लबिंग लगेगा? यहाँ पे क्लबिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने ट्रांसफर किया था वो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो बाद में प्रॉपर्टी खरीदी गई, बट जो हमने ट्रांसफर किया था वो कैश था, मतलब बैंक के फॉर्म में हमने बैंक से पैसे ट्रांसफर किए थे। तो जब ट्रांसफर हो रहा हो, अगर वो प्रॉपर्टी हो तब डीम ओनरशिप है, बट अगर आपने ट्रांसफर किया बाद में वो प्रॉपर्टी बनी, बाद में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, तब आप क्लबिंग ही लगाएंगे। ठीक है, सॉरी गाइस, ओके। मैं माइनर चाइल्ड के बारे में बातें बता रहा था कि माइनर चाइल्ड की इनकम अगर आती है, इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, वो भी क्लब होती है पेरेंट के हाथों में, इधर फादर के हाथों में या मदर के हाथों में, बट हाँ सिंगल पेरेंट है तो उन्हीं के हाथों में क्लब होंगी जो सिंगल पेरेंट है, या फिर अगर डिवोर्स हो चुका है कोई एक ही पेरेंट मेंटेन कर रहा है चाइल्ड को, तो फिर उन्हीं के हाथों में क्लब होगी जो मेंटेन कर रहे हैं चाइल्ड को, राइट, इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर भी क्लब कीजिएगा। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज है न्यू रिजीम में और डिफॉल्ट रिजीम में। हम जानते हैं कि जब कभी भी माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट के हाथों में क्लब होती है, तो पर चाइल्ड 1500 तक मैक्सिमम एग्जम्पशन होती है सेक्शन 10 में, 1500 की एग्जम्पशन होती है पर चाइल्ड की। फॉर एग्जांपल दो बच्चों की इनकम क्लब हो रही है तो 1500 पर मंथ है, पर एनम है, फ्लैट है 1500, फ्लैट 1500 है, बस 1500 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1500 है। ठीक है, इतनी एग्जम्पशन मिल जाती है पर चाइल्ड। तो अगर दो चाइल्ड है तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चाइल्ड की इनकम आती है लेट से 1800, सेकेंड चाइल्ड की इनकम आती है फॉर एग्जाम्पल 1200, तो फर्स्ट चाइल्ड की जब इनकम क्लब करेंगे 1800, तो उसमें से 1500 की एग्जम्पशन दे देंगे, तो 300 क्लब करेंगे, 1200 में से 1500 की मैक्सिमम एग्जम्पशन दी जा सकती है, बट ये तो 1200 ही है, तो 1200 की एग्जम्पशन दे देंगे और यहाँ से कोई क्लबिंग नहीं हो, राइट, तो यहाँ पे 300 क्लब होंगे। बट प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये जो एग्जम्पशन आप दे रहे हैं ना 1500 मैक्सिमम की, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में दीजिएगा, न्यू रिजीम में, डिफॉल्ट रिजीम में प्लीज़ ये एग्जम्पशन मत दीजिएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो सकती है हमारी, तो प्लीज़ ये आपको याद रखना होगा कि न्यू रिजीम में ये एग्जम्पशन 1500 वाली एग्जम्पशन नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में ही मिलेगी, करेक्ट। कब कब माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड नहीं होती है? अगर माइनर चाइल्ड अपने मैनुअल या फिजिकल लेबर से अगर वो मैनुअल वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उस केस में हम इनकम क्लब नहीं करते हैं, फिर वो माइनर चाइल्ड की इनकम रहती है, माइनर चाइल्ड की ही रिटर्न जाएगी। हाँ, उस पर गार्जियन उसका साइन कर सकते हैं, ठीक है, आजकल तो डिजिटल वेरिफिकेशन होता है वैसे, ठीक है, वो बातें मैं आपको रिटर्न ऑफ इनकम में बताऊंगा, बट यस, यहाँ पर फिजिकल या मैनुअल लेबर से अगर कोई इनकम आ रही है वो क्लबिंग नहीं होती है। दूसरा, उसकी नॉलेज से, उसके स्किल्स से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनर चाइल्ड खुद अपनी नॉलेज से अपनी इनकम अर्न कर रहा है, तो फिर क्लबिंग नहीं होती है, करेक्ट। और लास्ट होता है कि अगर माइनर चाइल्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उस केस में भी क्लबिंग नहीं होगी। तो इन तीन केसेस में क्लबिंग नहीं होगी, बट हाँ, अगर माइनर चाइल्ड ने अपने, फॉर एग्जांपल माइनर मैनुअल लेबर से या फिजिकल वर्क से पैसे कमाए, फॉर एग्जांपल उसने 2 लाख कमाए, ठीक है, 2 लाख रुपीज अर्न किए, क्लबिंग मत करिएगा, ठीक है, उस केस में क्लबिंग मत करिएगा, बिकॉज उसके मैनुअल या फिजिकल लेबर से है। लेट से उसने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 2 लाख बैंक में इन्वेस्ट कर दिए और उससे इंटरेस्ट आया, लेट से उससे 10,000 रुपीज इंटरेस्ट आया, तो ये इंटरेस्ट तो मैनुअल लेबर से नहीं आया ना, ये तो सिर्फ नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट है, ये क्लब हो जाएगा। और अगर आप डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो 10,000 पूरा कीजिएगा, अगर आप ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो 10,000 माइनस 1500 करके आप इसको क्लब कर दीजिएगा। किस पेरेंट के हाथों में क्लब होगी? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिस पेरेंट की अदर इनकम ज़्यादा है बिफोर सच क्लबिंग, उसके पेरेंट के हाथों में क्लब होती है, और सब्सिक्वेंट ईयर में भी उन्हीं के हाथों में कंटिन्यू रहती है जब तक असेसिंग ऑफिसर उसको चेंज नहीं करता है, ठीक है, ओके। एचयूएफ से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 64 ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल, अगर कोई भी इंडिविजुअल अपना कोई पर्सनल असेट, उसका वो अपना इंडिविजुअल असेट था, अगर वो एचयूएफ को ट्रांसफर कर देता है, अगर वो एचयूएफ को ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो भी इनकम वापस, जितना भी उस असेट से इनकम जनरेट हो रही है, वो वापस क्लब हो जाती है इंडिविजुअल के हाथों में, क्लियर है, पूरी 100% इनकम वापस क्लब हो जाएगी। बट अगर बाद में सब्सिक्वेंटली एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, फिर तो वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी थी, सभी मेंबर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उस केस में पार्टीशन के बाद 100% उससे जो इनकम आ रही है वो क्लब नहीं करते, जितना उस इंडिविजुअल का शेयर होता है प्लस उसके स्पाउस का शेयर, वो हम दो ऐड कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ,
बिफोर पार्टीशन तो 100% क्लब होगा, आफ्टर पार्टीशन सिर्फ जितना उस इंडिविजुअल का शेयर था इंक्लूडिंग उसके स्पाउस का जो शेयर था सिर्फ उतना ही क्लब होता है। तो दिस वॉज अबाउट HUF। सेक्शन 65, लास्ट सेक्शन है 65 ये कहता है कि जब कभी भी हम क्लबिंग करेंगे तो ट्रांसफरर के हाथों में, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपनी कोई इनकम डाइवर्ट की थी मिस्टर बी को, ठीक है, तो जितनी भी इनकम मिस्टर बी की होगी वो वापस क्लब हो जाती है मिस्टर ए के हाथों में और मिस्टर ए से हम टैक्स लेंगे। 65 सिंपल इतना बात बताता है, वो एक्चुअली असेसिंग ऑफिसर को एक पावर देता है, क्योंकि बी बोलेगा सर ये तो इनकम क्लब होनी है तो मिस्टर ए से जाके लीजिए, तो हम मिस्टर ए से इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीजन से हम मिस्टर ए से टैक्स रिकवर नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एब्सकॉन्डिंग है, ठीक है, हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या मिस्टर बी अपनी लायबिलिटी से कह सकता है कि नहीं सर वो तो मिस्टर ए टैक्स देगा? द आंसर इज नो। अगर हम किसी रीजन से ट्रांसफरर से टैक्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांसफरी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो ट्रांसफरी से भी टैक्स ले सकता है। तो ये सिंपल सेक्शन 65 है, इतनी सी बातें क्लियर करता है। ट्रांसफरी ऐसे नहीं कह सकता सर ये तो क्लबिंग होनी है तो हमेशा ट्रांसफरर से ही पैसे लीजिए, हम लेंगे ट्रांसफरर से, बट इनकेस हम ट्रांसफरर से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर टू रिकवर दिस टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द ट्रांसफरी ऑल्सो। ओके, यहां पर हमारे क्लबिंग के बातें खत्म होती हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट आता है क्रॉस ट्रांसफर का, क्रॉस ट्रांसफर का। अब हमें क्या कुछ लोगों ने, एक्चुअली प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि अगर अपने स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर करेंगे तो वापस क्लब हो जाता है। तो यहां पर क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, ये ए के ब्रदर हैं, इनको पता है कि मिस्टर ए अगर अपनी वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर करेंगे तो वापस क्लबिंग हो जाएगी। मिस्टर बी को पता है कि अगर कोई भी असेट अपनी वाइफ को मिसेस बी को ट्रांसफर करेंगे तो भी क्लबिंग हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करके एक दूसरे की वाइफ को ट्रांसफर कर देते हैं कोई भी असेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने भी 10 लाख का कोई असेट ट्रांसफर किया तो वापस मिस्टर बी से भी बोलेंगे कि आप भी मेरी वाइफ को 10 लाख के असेट ट्रांसफर कीजिए। तो इनकेस अगर यहाँ पर यहाँ से भी 10 लाख के असेट ट्रांसफर हुए, यहाँ से भी 10 लाख के असेट ट्रांसफर हुए, तो जो भी इनकम उस असेट पर मिसेज ए की आएगी वो मिस्टर ए की इनकम बना दीजिएगा, जो भी इनकम मिसेस बी की आएगी वो मिस्टर ए की इनकम, वो सॉरी मिस्टर बी की इनकम बना दीजिएगा, मतलब अपने अपने स्पाउस की इनकम वापस क्लब हो जाएगी, वापस इन्हीं के हाथों में, ठीक है। पर यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ से 10 लाख के असेट्स ट्रांसफर हुए, यहाँ से भी 10 लाख के असेट्स ट्रांसफर हुए, इसके ऊपर इनकम आती है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, इसके ऊपर इनकम आती है 90,000 रुपीज, कोई बात नहीं, यहाँ से इक्वल अमाउंट के एसेट्स ट्रांसफर होंगे ना 10 लाख 10 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 1 लाख मिस्टर ए की इनकम बन जाएगी, यहाँ से 90,000 मिस्टर बी की इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो इनकम अगर डिफरेंट हो अमाउंट की वो कोई प्रॉब्लम नहीं, असेट सेम वैल्यू पे ट्रांसफर होने चाहिए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ से तो 10 लाख रुपीज के एसेट्स ट्रांसफर हुए बट यहाँ से ट्रांसफर हुए 9 लाख रुपीज के एसेट्स, ठीक है, और उस पर इनकम, इस पर भी 1 लाख आती है, इस पर भी 1 लाख आती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ से मिस्टर ए ने जब ट्रांसफर किए वो 10 लाख के असेट्स ट्रांसफर किए और उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो 1 लाख रुपीज की आ रही है, और मिस्टर बी ने 9 लाख के असेट्स ट्रांसफर किए, इस पर भी 1 लाख की इनकम आ रही है। यहाँ पर इनकम सेम है बट वैल्यू ऑफ असेट्स डिफरेंट है, तो क्या ये 1 लाख और ये 1 लाख हम ऐड करेंगे क्लबिंग करके? द आंसर इज नो। यहाँ पर आपको क्या देखना होगा, सेम वैल्यू की इनकम के ऊपर, सेम वैल्यू के असेट्स के ऊपर कितनी इनकम आती है, यानी कि यहाँ पर यहाँ से 10 लाख हुआ, यहाँ से 9 लाख हुआ, तो सबसे आप ये देख लीजिए छोटा कौन सा है। लॉजिक हम लोग रेगुलर क्लास में आपने ये पढ़ा होगा सारी बातें, मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ अभी यहाँ पे ट्रिक एक छोटी सी। सबसे पहले क्या देखना है, इन दोनों में से कम वैल्यू का असेट देख लीजिएगा, कम वैल्यू का असेट कौन सा है, तो इधर से 9 लाख ट्रांसफर हुआ था, इधर से 10 लाख ट्रांसफर हुआ था, कम वैल्यू कितनी है 9 लाख रुपीज, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, इसको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ से जो 10 लाख आया है 9 लाख की इनकम को प्रोपोर्शनेटली अलग कर लीजिएगा, 1 लाख की प्रोपोर्शनेटली अलग कर लीजिएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से 9 लाख के असेट्स ट्रांसफर हुए हैं ये तो इनकम पूरी की पूरी क्लब हो जाएगी, बट यहाँ से अगर 10 लाख के असेट्स ट्रांसफर हुए हैं और इसके ऊपर इनकम 1 लाख आ रही है तो आप 9 लाख के प्रोपोर्शन में निकाल लीजिएगा ये इनकम कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल है सर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 × 9, तो सिर्फ उतनी ही इनकम क्लब कीजिएगा, यानी कि कुल मिलाकर लॉजिक लास्ट में क्रक्स ये है कि सेम वैल्यू के जो असेट्स ट्रांसफर होंगे उसके ऊपर जो रिलेटेड इनकम होगी वही क्लबिंग करनी है, ठीक है। इस तरह की एक बार देख लीजिएगा, आपके पास आप जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो है ही है, आपने भी ये किया होगा सबने, जिन्होंने कहीं और से भी क्लासेस या फिर अपने आप ही किया है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा।
अदरवाइज क्लबिंग में बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं एंड इट्स एन ईजी चैप्टर। तो आई बिलीव ये रिविजन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया होगा, आपका ये रिवाइज हो गया होगा जल्दी से चैप्टर, आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ यू आर फाइंडिंग दिस लेक्चर्स, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी इनफैक्ट आपका डाउट भी है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है, और मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।